आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईफोन की हार्ड रिसेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, अगर आप चाहें तो कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं यानी कि आईट्यून की मदद से। अगर आपके पास में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो आईफोन की हार्ड रिसेट आप अपने आईफोन की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आज मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ वो आप अपने आईफोन की सेटिंग से हार्ड रिसेट किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं अमान टेक वर्ल्ड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आईफोन की हार्ड रिसेट आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हार्ड रिसेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि कौन कौन से सेटिंग आपको ऑफ कर देनी चाहिए आईफोन की हार्ड रिसेट करने से पहले। तो चलिए यहाँ पर हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपको आना है यहाँ, आप चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं, ऊपर जो आई क्लाउड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में आप आई क्लाउड पर आएंगे तो यहाँ पर टर्न ऑफ है। अगर आपके आईफोन में ये आई क्लाउड ऑन है तो आपको यहाँ पर ऑफ कर लेना है ताकि अगर आप रीसेट करें या फिर आप पासवर्ड भूल गए हैं आईडी का तब कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से इसे हम हार्ड रीसेट कर सकते हैं यानी कि फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सिंपली सेटिंग में आने के बाद में आपको जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद में आपको लास्ट में आ जाता है, यहाँ लास्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको एक रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे कि रीसेट ऑल सेटिंग, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की सिर्फ और सिर्फ सेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको ऊपर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद में अगर आप आईफोन की कीबोर्ड डिक्शनरी को रीसेट करना चाहते हैं यानी कि फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली रीसेट कीबोर्ड डिक्शनरी पर क्लिक करना है। अगर आप होम स्क्रीन लेआउट पर क्लिक रीसेट करना चाहते अगर आप होम स्क्रीन लेआउट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको रीसेट होम स्क्रीन लेआउट पर क्लिक करना है। अगर आप रीसेट लोकेशन एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना चाहते हैं यानी कि फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहां पर रीसेट लोकेशन एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। लेकिन हम यहां पर आपको बताने वाले हैं कि उनको किस तरीके से हार्ड रीसेट या फिर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप ऊपर से दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं जो यहां पर इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको इरेज आईफोन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके आईफोन में पासकोड लगा है या फिर आई क्लाउड आईडी लगी है तो यहाँ पर ये आपसे पहले उसे डिसेबल करने का ऑप्शन लेगा, उसके बाद में ही यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर इरेज पर क्लिक कर देते हैं। इरेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्पल का लोगो आ गया है और यहाँ पर रीसेट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है फिर हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईफोन की हार्ड रिसेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिंपली यहाँ पर होम बटन को एक बार प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद में आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी कंट्री में हैं, आपको वहाँ की लोकेशन यहाँ पर सेट कर लेना है या फिर लैंग्वेज आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जो भी लोकेशन चाहें वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जिस भी कंट्री में हो, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेटअप मैनुअली पर क्लिक करेंगे ताकि आपको स्टेप बाई स्टेप बता सकें। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट कर लें, अगर नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट टू आईट्यून से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक हो जाता हूँ क्योंकि वाईफाई इनेबल नहीं है और यहाँ पर वाईफाई या फिर इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर वाईफाई इनेबल करने के बाद में एक बार दोबारा आपके साथ में कनेक्ट होता हूँ। तो यहाँ पर हम वाईफाई से कनेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद में आप यहाँ पर देखते हैं इट मे टेक अ फ्यू मिनट टू एक्टिव योर आईफोन। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा तो हम वीडियो को पुश कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप चाहें उस आने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर टच आईडी सेट कर सकते हैं या फिर सेट अप टच आईडी लेटर पर क्लिक कर सकते हैं और यू डो नॉट यूज टच इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर चाहें तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर डू नॉट यूज पासपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में दोबारा से डू नॉट पासपोर्ट क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाएं और आने के बाद में सेटअप एज न्यू आईफोन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगर आपके पास में आईडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे आएँ या फिर यहाँ पर आप देखते हैं डू नॉट हैव एप्पल आईडी, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और यू
क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखते हैं सेटअप लेटर इन सेटिंग, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, डोंट यूज पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर उसके बाद आने के बाद में एग्री पर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो सीरी सेटिंग कर सकते हैं, सीरी का सेटअप कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो सेटअप लेटर कर दीजिए। एंड डोंट शेयर इनेबल अगर आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, चूज व्यू सेटिंग एंड नेक्स्ट गेट स्टार्ट, योर आईफोन इज रेडी। यानी कि आईफोन की हार्ड रीसेट बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपके आईफोन में आई क्लाउड लगा है तब आपके लिए मुसीबत आ सकती है, यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है। सो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आती तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी हूँ लाइव या फिर अपलोड करूँ कोई नई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।